मजदूरों के लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा एहसास है कि हमारे लोग जो बेरोज़गार हुए हैं, मेरा जो प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड है, जिसमें मैंने पिछली बार आपको बताया, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर बता देंगे कि जी मैं बेरोज़गार हुआ हूँ इस दौर के ऊपर, और सिर्फ एक बता देंगे किधर काम करता था, बेरोज़गार हुआ, तो उनको भी मैं अपने फंड से पीर से मंडे से कैश ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जिस तरह के एहसास प्रोग्राम के ज़रिए किए जा रहे हैं। तो मेरी पीर से जो हमारी अब तक आ चुके हैं, हमें इन लोगों के सबूत आ चुके हैं, हमने वेरीफाई किए हैं, हमारे पास डेटा है नादरा का, हम चेक करते हैं, वो चेक करके जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनको मंडे से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से। और मेरा जो सारा फंड है वो सिर्फ और सिर्फ इन बेरोज़गारों के लिए पैसा देता रहेगा, जब तक इंशाल्लाह एक महीने तक हमारी उम्मीद ये है कि जिस तरह हम चलते जाएंगे, और इंशाल्लाह अगर हमारे केसेस ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े तो इंशाल्लाह हम अपने कारोबार खोलते जाएंगे और लोगों को रोज़गार मिलता जाएगा, ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन में। हमने कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को ख़ास तौर पे कोशिश की है हर किस्म का इंसेंटिव दें ताकि कंस्ट्रक्शन शुरू हो, और उसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मज़दूरों को रोज़गार मिले।